नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद टीवी में। मैं हूं आपके साथ सूरज तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज कुंभ में, और प्रयागराज कुंभ में ये देख सकते हैं नागा साधुओं की ये टोली बैठी हुई है। पंचदशन श्री पंचदशन आवाहन अखाड़ा की ये टोली है। आप देख सकते हैं ये धुनी रमी हुई है और सभी नागा साधु अपने मस्ती में, भोले की मस्ती में मस्त है। सभी जो बैठे हुए हैं देख सकते हैं भस्म लगाए हुए हैं, जो इनका श्रृंगार होता है श्रृंगार में बैठे हुए, कुछ श्रृंगार किए हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी श्रृंगार नहीं किए हुए। और ये छोटा सा बालक है जो नागा साधु कुछ दिन में बनने वाला है। हम बात करेंगे इनके गुरुजी से, थानापति जी है, जो थानापति होते हैं वही नागाओं का संस्कार करवाते हैं, वही उनके गुरु होते हैं। हम उनसे बात करेंगे और इस बालक से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या उम्र है, क्या नाम है, ऐसे कुछ सवाल हैं जो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए बाबा जी। हाँ, मेरा नाम थानापति मणि महेश गिरी है। हाँ? मैं श्री शंभू पंत दशनाम आवान अखाड़े का थानापति हूँ, नागा फोर्स का। अच्छा जी। आपके गुरुजी का नाम क्या है? मेरे गुरुजी का नाम था महंत लक्ष्मी नारायण गिरी जी। अच्छा। ब्रह्मलीन हो चुके हैं वो। ब्रह्मलीन हो चुके हैं जी, जी जी। आप नागा साधु आप कब बने थे? मैं नागा साधु संस्कार मेरा, मैं 95 में मेरे को नागा साधु संस्कार हुआ था। उससे पहले मैं महापुरुष और उस वृत्ति में रहा। अच्छा, 95 में संस्कार किया गया, 95 में। तो अभी क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र तो अभी 48-47। अच्छा, आप वैसे रहने वाले कहाँ के थे बाबा जी? मेरी जन्मभूमि उज्जैन की है। उज्जैन की। और मैं 8 साल की उम्र में 2 क्लास पास करके और बाबा बन गया। बाबा बन गए जी। तो उज्जैन से आपको जो शिक्षा दीक्षा मिली, जहाँ नागा साधु ने, कहाँ से? उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, कहाँ से? जी नहीं, ये शिक्षा दीक्षा जो है हमारे साधुओं में, जब साधु बनाया जाता है, शिष्य बना लिया जाता है, शिष्य बनाने के बाद में साथ में रख करके और उसको ये सब शिक्षा दी जाती है। जब कुंभ मेला आता है उस टाइम पे उसको कुंभ में उसका विजय हवन संस्कार वगैरह करके और उसको फिर कहाँ से आप बने? कौन से कुंभ से बने हैं? प्रयागराज के? नहीं, मैं महात्मा तो पहले ही बन गया था, कुंभ नहीं था उस समय में। उसके बाद में मैंने 3 साल ब्रह्मचारी बन करके रहा, उसके पश्चात में मैं 3 साल महापुरुष रहा, उसके बाद में मेरा विजय हवन संस्कार होकर के मैं नागा बाबा बन के मोरछापिया महेंद्र बना। आपका क्या नाम है बच्चे? टी आर गिरी। किन ने नाम दिया है ये? मनेश्वर गिरी। बाबू मनेश्वर गिरी कौन है आपके? भनेश्वर गिरी गुरु जी हैं आपके। हाँ, अच्छा, आपने इन्हें नामकरण आपने दिया। गुरु जी का नाम क्या है? लंबू गिरी। अबे क्या क्या बोलता है? राज नारायण गिरी। अच्छा, आप कितनी उम्र है आपकी? 11 साल। तो आप इनके साथ कब से हैं? 3-4 साल हो गए। अच्छा, रहने वाले आप कहाँ के थे? गुजरात के। तो इन लोगों से कहाँ मिले, बाबा लोगों से कहाँ मिले आप? गुजरात में। हाँ, तो प्रयागराज में आए हुए हैं। आप जैसे अभी छोटे हैं और बालक हैं, भस्म लगाए हुए हैं, आप लोगों का श्रृंगार यही होता है, ठंड नहीं लगती आपको? हाँ, ठंड नहीं लगती। मम्मी पापा की याद कभी नहीं आई आपको? माता पिता की याद नहीं आई आपको? नहीं आई? माता पिता बैठे हुआ, फिर माता पिता की याद कैसे आएगी? तो भोले जी की पूजा करते हैं आप? हाँ, कितना करते हैं? खूब करते हैं? अच्छा, अभी सीख रहे हैं? और कितने स्नान कब करते हैं आप? स्नान सुबह? हाँ, और 4 बजे। 2-4। और भस्म कब लगा लेते हैं ये भोले की? नहा के फिर लगा लेते हैं। नहा कर लगा लेते हैं। आप अपने लगा लेते हो, गुरुजी लगाते हैं? मैं लगा लेता हूं। अपने लगा लेते हैं। महाराज जी, तो आपका संस्कार अभी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। शाही स्नान किया आपने? प्रथम शाही स्नान हुआ आपने किया था? महाराज जी के साथ? हाँ। अभी यहाँ कब तक रहना है? जब तक ये रहेंगे। अच्छा, चलिए महाराज जी, आप बताइए कि ये जो है लगभग 10-12 साल की उनकी उम्र है, आपके साथ ये कितने साल की थे तब से है? कितने साल के नहीं, ये जूनागढ़ गिरनार का रहने वाला है। हा? और हम लोगों के स्थान भी गुजरात में ही है। अच्छा? और इनके माता पिता भी हम लोगों के सेवक हैं। जब
इनसे इनकी स्थिति गरीब स्थिति है। अच्छा, तो इनके माता पिता से बोला गया कि आपके चार पांच बच्चे हैं। अच्छा, जो अच्छा, हाँ उनके इसके चार पांच भाई है। अच्छा, और अच्छा। तो उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि सभी का वो भरण पोषण कर सके। तो हमने बोला भाई एक हमको बाबा बनाने के लिए आप दीजिए। हाँ, हाँ। तो उन्होंने बोला ठीक है बाबा जी, आप इनको ले जाइए, आप जो आपकी ट्रेनिंग होती है दीजिए, अगर इसको लगेगा। जब हमने बोला जब ये बड़ा होगा तब इससे पूछा जाएगा भाई तेरी क्या इच्छा है। अच्छा। यदि वो ट्रेनिंग इसको पूरी दी जाएगी, लेकिन उसके पश्चात भी जब ये बालिक होने के बाद में इसको समझ आ जाती है। अच्छा, नागा साधु जो होते हैं कैसे बनते हैं, क्या ट्रेनिंग होती है, क्या प्रक्रिया होती है, ये सब लोग जानना चाहते हैं। इसमें ट्रेनिंग ये होती है कि ब्रह्मचारी फर्स्ट सीरीज चार स्टेज है इसकी। क्या क्या? फर्स्ट ब्रह्मचारी होता है, दूसरा महापुरुष होता है, तीसरा अवधूत होता है और चौथा नागा बाबा होता है। नागा बाबा चौथी सीढ़ी उसके बाद में वो पूर्ण हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि महापुरुष और ब्रह्मचारी की ड्यूटी होती है गुरु आश्रम में रह करके सेवा करना, आरती पूजा सीखना, अस्त्र शस्त्र की विद्या लेना, ये सब चीज़ें जो तमाम रिवाज के अनुसार हमारे परंपरा के अनुसार जो होती है विधियाँ, उनको सीखना, ध्यान करना, भजन पूजा पाठ जो भी कुछ हमारा नियम आचार विचार, वो सब चीज़ों की ट्रेनिंग ली जाती है। अच्छा। उसके बाद में महापुरुष के बाद में फिर जब कुंभ मेला आएगा तो उनका विजय हवन होता है, पिंडदान जिसको कहा जाता है। अच्छा। कि जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार मरने के पश्चात होता है, पहले ही कर दिया जाता ये है, ये वो पहले कर दिया जाता है। तो पिंडदान होने के बाद में उसका रूप अवधूत बन जाता है। अच्छा। कि उसका मतलब इस संसार से जो है ना छुटकारा हो गया, जो अभी तक संबंध थे वो अब समाप्त हो गया, वो अवधूत वृत्ति में चला गया, परमहंस वृत्ति में चला गया। फिर वो वहाँ से उस वृत्ति में रह करके वो फिर मोह माया को त्याग करके और अपने भजन ध्यान योग में जो भी कुछ होता है वो उसमें परिणित हो जाता है। फिर 3 साल के बाद में नागा बना जाता है। तो वो नागा की जो ट्रेनिंग है उसमें धर्म की ध्वजा के नीचे खड़ा करके और उसके लिंग को 3 बार झटका दिया जाता है। अच्छा, हाँ, लिंग जो लिंग क्रिया होती है, लिंग क्रिया के साथ ऐसा क्या किया जाता है कि गुप्तांग काम करना बंद कर देता है, क्या होता है जब आप नागा साधु बनाया जाता है? देखिए, लिंग को दो हाथों उंगलियों से पकड़ करके और 3 बार झटका मारा जाता है। तो वो झटका मारने से क्या है कि उस एक मंत्र होता है जो गुप्त होता है। अच्छा। उस मंत्र के द्वारा वो झटका मारने से उसकी जो मन के अंदर जो काम वासनाएं उत्पन्न होने वाली चीजें होती है ना, उस पे उसको कंट्रोल करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। किस चीज से झटका मारा जाता है विशेष? हाथ के द्वारा। हाँ। केवल उंगलियों में पकड़ के और उसको 3 बार झटका मारा जाता है। उसमें ब्रह्मचर्य का पालन होना अति आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन होता है तो वो उस झटके को सहन करके और उस पावर को प्राप्त कर लेता है जो गुरु महाराज से मिलता है। ये प्रक्रिया कौन कराता है, जो उनके गुरु होते हैं आप ही महामंडल? इसमें क्या होता है, जो नागा बनाता है उसको दिगंबर गुरु कहा जाता है। 5 गुरु तो उसके होते ही होती है, लेकिन नागा बनाने वाला दिगंबर गुरु कहा जाता है। तो जिसको वो दिगंबर गुरु बनाएगा वो उसको वो झटका लगाता है। जब ये उनके लिंग की जैसे आप बोले झटका दिया जाता है, तो ये जिसे नागा बनाया जाता है उससे पूछ कर काम किया जाता है या फिर कुछ और प्रक्रिया होती है? इसमें क्या होता है कि संस्कार होने के बाद में नियम यही होता है कि संस्कार के बाद में 3 साल के बाद में उसको नागा बनाया जाए। तो उससे पूछा जाता है भाई झटका लगेगा और तेरे को नागा बाबा बनना है? तो अधिकतर करके 90% लोग यस करते हैं उसमें। अच्छा। कोई एक आध डरता है तो उसको बोलते हैं भाई तू अवधूत वृत्ति में रह के और भजन कर अपना। अच्छा। कोई जबरदस्ती या ये चीज नहीं की जाती है। तो जिसके साथ नहीं होता फिर वो क्या करता है, जिसकी गुप्तांग को झटका नहीं दिया जाता, जिसका गुप्तांग नहीं तोड़ा जाता, तो वो अपना अवधूत रूप में भजन करता है। अगर फिर उसके अंदर कपड़े पहनकर, हाँ कपड़े पहनकर के, कपड़े सभी लोग पहनते हैं। ये क्या, ये सनातन फौज जो है ये गुप्त फौज है। अच्छा। हमारे देश के अंदर। हाँ जी। हाँ। ये क्या गुप्त रूप में रहती है, केवल कुंभ मेले
के अंदर ही ये अपना रूप प्रकट करती है कि जिससे दुनिया को ये पता चले कि आज भी वो भोज तैयार है। बाबा जी जैसे कि मैंने ये देखा कि ये छोटा सा बच्चा है, कभी ये महाराज जो है ये कभी रोते होते तो नहीं मम्मी पापा के नहीं, आपके साथ? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी इसके मम्मी पापा के साथ में हर एक दो दिन में फोन होते रहता है। फिर अभी इंडिया टीवी वाले कुछ टीवी वाले आए तो वहाँ टीवी में देखा तो बात बड़े खुश हो गए, वो लोग भी बोले हमारा लड़का बोले टीवी में आ रहा है। तो कभी ऐसा नहीं बोला कि बोले कि महाराज जी मम्मी पापा से मिलवा दो, या मम्मी पापा इनके मिलने आते हैं कभी, मुलाकात होती? नहीं नहीं नहीं, ये क्या है एक्चुअली खाली अभी यह कुंभ के लिए यहाँ आया है। हाँ। बाकी ये गुजरात में ही रहता है। हाँ। पास में ही मम्मी पापा भी हैं। अच्छा। हाँ, स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ता है, छठी क्लास में विद्यार्थी है ये। तो जैसा कि आप लोगों को एक नशा होता है, आप लोग चिलम उलम लेते हैं, बहुत भोले की जो नशा होता है वो करते हैं, ये करते हैं कि अभी नहीं? इनको ये क्या है, ये बालक है, ये हमारी नागा फोर्स का एक सिपाही बनने जा रहा है। तो हमारे नियम के अनुसार ये होता है कि जब तक ये जवान अवस्था में नहीं आता है, अच्छा, जब तक इसके काम इंद्रिया मतलब जाग जाती है, जब तक इसको इस चीज़ से हम दूर रखने की चेष्टा रखते हैं। अगर ये हमसे छुप करके कुछ करता है तो वो एक बात अलग है, बाकी हम लोगों की तरफ से इन चीज़ों पे बीड़ी सिगरेट चिलम वगैरह पे रोक होती है, और इनको कहा जाता है कि भाई तुम केवल व्यायाम करो और अपनी जो प्रैक्टिस है लठबाजी तलवारबाजी जो भी कुछ जो शस्त्र विद्या है उनका अभ्यास किया। जैसा कि मैं इन्हें देख रहा हूँ, ये अपनी अभी देखिए लंगोट पहने हुए हैं जी, एकदम नागा नहीं हुई, इसका कारण क्या है लंगोट पहनने का भी? ये लंगोट का कारण ये होता है कि ये महापुरुष है। अच्छा। ये महापुरुष जो होता है ब्रह्मचारी और महापुरुष लंगोट का अधिकारी होता है, उसके बाद अवधूत होता है वो भी लंगोट ही पहनेगा, केवल नागा बाबा जो होता है वो नंगा रहने का अधिकारी, और अगर वो रहना नहीं चाहता है तो हमारे इसमें बोला जाता है नागफणी, जो एक ही कपड़े से लंगोट बनती है, दूसरा कपड़ा उसमें जॉइंट नहीं होता है, वो नागफणी बांधेगी। चलिए तो आपने बताया। अच्छा महाराज जी, आपको अच्छा लगता है बाबा जी लोगों के साथ? हाँ। बहुत अच्छा लगता है? हाँ। याद तो नहीं आती ना किसी की? पढ़ने जाते हो आप? पढ़ने जाते हो? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो मम्मी पापा के पास जब जाते हो? गुजरात में रहते हो ना? हाँ। बाबा जी ने बताया। तो कौन सी कक्षा में? छठवीं। चलिए तो ये मेरे साथ देखे कि ये सनातन धर्म जो होता है, आप जानते हैं शंकराचार्य ने एक थॉट तैयार की थी नागाओं की, ये जो है कुंभ में ही दिखाई देते हैं, अर्धकुंभ या महाकुंभ जहाँ कुंभ होते हैं वो थॉट तभी दिखाई देते हैं, और बाकी ये लोग तपस्या में के लिए गायब हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और चूंकि प्रयागराज में कुंभ चल रहा है इसलिए छोटे बालक है, अभी इनके नागा साधुओं की जो प्रक्रिया होती है वो इनका अभी वो नहीं कराया गया है, नागा साधु भी इन्हें नहीं बनाया गया। जब ये बालिक हो जाएंगे तब ये बोला जा रहा है कि इनसे पूछ लिया जाएगा कि क्या करना चाहते हो, नागा साधु बनना चाहते हो या शादी करना चाहते हो। इनके मन से इन्हें नागा साधु बनाया जाएगा, क्योंकि नागा साधु जो बनते हैं वो मन से बनते हैं, क्योंकि नागा साधु बनने के बाद उनकी एक तपस्या ऐसी जटिल तपस्या होती है जो आम इंसान के लिए कर पाना कतई संभव नहीं है। इसी तरह आपको किस कुंभ की और विशेष चीजों से अवगत कराएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो जनरल विकास के साथ सूरत संवाद टीवी।